जय मिथिला। हेलो डियर बहनों एंड इस कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्राओं, आप लोगों को मैं MRM कॉलेज दरभंगा का अंदर से पूरा टूर करवाने वाली हूं और दिखाने वाली हूं कि यह कॉलेज जो है वो कितना सुंदर है और अच्छा दिखता है, एंड इनसे जुड़े इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को देने वाली हूं। तो बने रहिए आगे इस वीडियो में। ये जो है ये मेन गेट का एरिया है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसे ये मेन गेट है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है MRM कॉलेज दरभंगा और इसकी जो स्थापना दिवस है वो भी 1958 ईस्वी जो इसमें लिखा हुआ है। इधर से जो है ये मेन गेट है। ठीक, अब आगे जो है हम आपको अंदर से दिखाने वाले हैं। अब ले चलते हैं थोड़ा अंदर। इधर ये आगे जाने वाला जो है ये रास्ता है। ठीक है, इधर हमारा एक काम है जिसको हम क्या करना है पहले हम करवा लेते हैं, इसके बाद आपको दिखाएंगे इस कॉलेज की पूरी खूबसूरती। देखिए ये यह जो काउंटर है ना, देखिए ये BA BCOM BSc का है। इधर देखिए IA ICOM ISc की है और जो आगे जो आगे जो है ना इससे आगे वो जो है MA और MSc के लिए है। ठीक है, ये काउंटर जो है ना सबसे ज़्यादा यहीं पे काम किया जाता है, जैसे कि किसी को CLC लेना हो या तो मार्कशीट लेना हो या तो कोई भी डॉक्यूमेंट लेना हो ना, तो यहीं पे आकर के क्या करेंगे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे काउंटर नंबर 1, 2, 3 करके यहाँ पे काउंटर बनाया गया है जिससे आप क्या करें यहीं पे आकर संपर्क करके आप ले सकते हैं। जैसे कि उसको CLC लेनी है तो वो यहीं पे क्या करेंगे फॉर्म देंगे, अप्लाई करेंगे और इसके बाद यहीं से CLC लेंगे। ठीक, या तो जैसे कि देखिए अभी इतनी सारी जो भीड़ लगी हुई है लड़कियों की जो है ना स्कॉलरशिप अप्लाई करेगी, इसके लिए ये यहाँ पे क्या करें बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाने के लिए रुकी हुई है। और हम क्या करते हैं आपको थोड़ा सा इधर टूर करवा देते हैं, दिखाते हैं कि कितना सुंदर लगता है देखने में, बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे क्या है कि बहुत ही हरियाली ही हरियाली है। इस कॉलेज का एक चीज़ खास है जो यह क्या है ना कि बहुत हरियाली है, इसमें बहुत ही ज़्यादा हरियाली है। देखिए हमारा काम हो चुका है, हम क्या करते हैं इधर से चलते हैं आगे, फिर दिखाएंगे आगे से आप लोग को ये कॉलेज। यह पूरा एक एरिया है इधर जाने के लिए, चलते फिर आपको आगे दिखाते हैं। और यह कॉलेज की एक और खास बात है कि इसमें जो ये जो तालाब है ना ये बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया दिखता है। देखिए इधर से गिर जाने वाले थे, आपको हम अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि ये कितना अच्छा लगता है देखने में। यह पूरा जो है ये नया नया में ही बना है, पहले बना था जिसको तोड़ दिया गया था, दोबारा बना हुआ है, पूरा एकदम ग्रीन ग्रीन लग रहा है पूरा। चलिए आगे चलते हैं, दिखाते हैं और बताएंगे कि ये कितना ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा कॉलेज है, आप जो भी व्यक्ति चाहेंगे इसमें एडमिशन करवाना वो आराम से करवा सकते हैं, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लड़की लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हाँ वो व्यक्ति जरूर करिएगा जो इस कॉलेज में पढ़ते हैं वो लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड पढ़ चुके हैं वो भी लाइक कर दीजिएगा। जैसे छोटा छोटा पौधा हो गया, पेड़ हो गए, घास सब हो गया, कितना एकदम बढ़िया लगता है देखने में। अभी ऐसे ही पूरा माहौल क्या है कि अभी शांत है, क्योंकि अभी जो टाइम है ना ये तकरीबन 3 बजे के बाद वाला ही है, क्योंकि इधर जो है ना प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है ना फर्स्ट सिटिंग में देखे चले गए और सेकेंड सिटिंग में जो भी बच्चों का है ना उसका हो रहा है, बहुत सारे देखे भी चले गए, बहुत सारी लड़कियाँ है भी। मेरी एक कजन सिस्टर है जो आज प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दे रही है, उसकी वजह से क्या करें यहाँ पे हम रुके हुए हैं। और आप लोगों को क्या करते हैं थोड़ा कॉलेज का व्यू दिखा देंगे, कितना गजब दिखता है, बहुत बढ़िया दिख रही है पूरा कॉलेज है। इसमें जो है ना ये आर्ट का जो है ना ये इधर डिपार्टमेंट है, आर्ट वालों के लिए है। आगे चलेंगे तो ज्योग्राफी सबका जो डिपार्टमेंट है, और यह जो है ना यह जो दिखा अभी वो ऑफिस है। पूरी एकदम ग्रीन ग्रीन दिख रही है पूरी की पूरी।
इतना बढ़िया भाई बाड़ी है इधर की। ये जो सामने वाले दिख रहे हैं इधर जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ डिपार्टमेंट है, बायोलॉजी भी है, जूलॉजी बॉटनी का जो भी डिपार्टमेंट है ना वो दिख रहा है। ये क्या है कि देखिए ये बहुत अच्छा लगता है देखने में, ये जो है ना बहुत ही अच्छा दिखता है। यह जो है ना पूरा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट सब है इसमें, मैथ डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे बैठने के लिए भी क्या कहते हैं बहुत ही खूबसूरती से व्यवस्था किया गया है, सारा एकदम सेटअप बढ़िया लगाया हुआ है। तो यहाँ से कितना गजब दिख रही है। और यह जो सामने में दिख रही है ना ये क्या है कि नया हॉस्टल बन रहा है, गर्ल्स हॉस्टल। इसकी एक बात और है कि इसमें ना गर्ल्स हॉस्टल है, यदि जो भी कैंडिडेट इसमें पढ़ रही है, जो भी लड़कियां इस कॉलेज में पढ़ती है ना वो आराम से हॉस्टल ले सकती है, जिनको रहना है ना हॉस्टल में वो क्या करेगी यहाँ जो है हॉस्टल में यहाँ पे रह सकती है। ये तो नया बना है, इससे इसके बाद में एक है जिनमें अभी लोग रहती है, शायद ये चालू हुई है ना हुई है मुझे नहीं पता, बट आप लोग पता कर सकते हैं। एंड यदि आपको रहना है ना तो इसमें आराम से रह सकते हैं पता करके। ये कितना अच्छा पूरा एकदम ग्रीन दिख रहा है, पूरा का पूरा एरिया कितना मस्त लगता है। ये नया वाला बना हुआ है, मुझे तो बहुत पसंद आया ये हॉस्टल जो नया वाला बना है ना, ये सामने वाला जो दिख रहा है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, ये कितना बढ़िया लग रहा है। ग्रीन के साथ आकाश भी एकदम नीली दिख रही है। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगता है इस कॉलेज में आके। चलिए आप लोग को थोड़ा आगे दिखा देते हैं, इतना बढ़िया लग रहा है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। बहुत ही अच्छा है, आप जो भी चाहें इसमें एडमिशन करवा सकते हैं।